जीएसपी यानी कि जावा सर्वर पेजेस के कुछ और क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें है अगला, व्हाट इज दी जीएसपी यूज बीन स्टैंडर्ड एक्शन। जीएसपी यूज बीन ये क्या है? ये इसलिए है ताकि आप लोकेट कर सके कोई अगर जॉब बीन एग्जिस्ट करती है, या आपको क्रिएट करना है जॉब बीन यदि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो मौजूद नहीं है। इसमें वो एट्रीब्यूट्स होते हैं ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, जो बीन है उसकी लाइफ टाइम क्या है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसका क्लास पाथ क्या है, टाइप क्या है, ये सब चीजें आप जीएसपी यूज बीन से कर सकते हैं। व्हाट आर दी स्कोप्स अवेलेबल इन जीएसपी यूज बीन? इसमें क्या क्या स्कोप है, तो जो स्कोप है उनको एक करके देखते हैं। एक तो पेज स्कोप है, ये बताता है, देखिए पहले सारे देख लीजिए, एक पेज स्कोप है, एक रिक्वेस्ट स्कोप है, एक एप्लीकेशन स्कोप है, एक सेशन स्कोप है। तो ये सारे स्कोप अवेलेबल है जीएसपी यूज बीन में, पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, सेशन स्कोप। पेज स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे जीएसपी पेज में अवेलेबल रहेगा लेकिन उसके बाहर नहीं। रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो केवल एसोसिएट किससे होगा, कोई एक रिक्वेस्ट आएगी उससे, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से, जब तक वो रिक्वेस्ट रहेगी तब तक इसका स्कोप रहेगा। एप्लीकेशन स्कोप का मतलब क्या होता है? जब तक वेब एप्लीकेशन चलता रहेगा वहां पर ये स्कोप रहेगा, यानी वहां पर भी अवेलेबल रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द एंटायर वेब एप्लीकेशन, लेकिन जब एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा बनी बात है कि उसके बाहर नहीं रहेगा। और सेशन स्कोप का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे सेशन में रहेगा, अवेलेबल थ्रू आउट द सेशन किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ। व्हाट इज जेएसपी फॉरवर्ड स्टैंडर्ड एक्शन? तो जो जेएसपी फॉरवर्ड स्टैंडर्ड एक्शन है, जो नाम ही बता रहा है फॉरवर्ड, यानी कि ये एक रिस्पॉन्स, जो भी सर्वलेट्स का या जेएसपी का रिस्पॉन्स आएगा वो किसी और पेज में देता है। जो एग्जीक्यूट करंट पेज, जो भी पेज चल रहा होगा उसका एग्जीक्यूशन उस समय के लिए थोड़ा रोका जाएगा और फिर कंट्रोल दे दिया जाएगा फॉरवर्डेड पेज को। जो सिंटेक्स है जीएसपी फॉरवर्ड स्टैंडर्ड एक्शन का वो इस तरीके का है, जीएसपी फॉरवर्ड पेज ये आपका टारगेट पेज होगा, जहां पर ये टारगेट पेज जो देख रहे हैं इसको हम जीएसपी पेज की तरह यूज करेंगे, एचटीएमएल पेज या फिर एक सर्वलेट भी हो सकता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। तो अगर आपने जो भी आपको लिखना है आउटपुट स्ट्रीम में वो बफर नहीं किया गया जीएसपी फॉरवर्ड से पहले, तो एक इलीगल स्टेट एक्सेप्शन ये थ्रो हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको जीएसपी फॉरवर्ड या जीएसपी इंक्लूड यूज करना है तो बफरिंग आपको एनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बफर जो है वो एनेबल नहीं होता है, नॉट एनेबल करती है। व्हाट इज द जीएसपी इंक्लूड स्टैंडर्ड एक्शन? जीएसपी इंक्लूड स्टैंडर्ड एक्शन क्या होता है उसका देखिए ये एग्जांपल भी है। ये एक्शन ये एनेबल करता है कि जो आपका अभी का जीएसपी पेज है वो किसी रिसोर्स को, चाहे वो स्टैटिक रिसोर्स हो या डायनेमिक रिसोर्स हो, उसको रन टाइम पे इंक्लूड कर ले। अगर आप इंक्लूड एक्शन की बात करते हैं, अगर इंक्लूड डायरेक्टिव के अलावा इंक्लूड एक्शन की बात करते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हम इसलिए यूज करते हैं रिसोर्सेस के लिए जो चेंज होते रहते हैं, समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं, और जो रिसोर्स आप इंक्लूड कर रहे हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। जो सिंटेक्स है जीएसपी इंक्लूड का, स्टैंडर्ड एक्शन का, वो इस तरीके से है, जीएसपी इंक्लूड पेज ये आपका पेज है फ्लश इक्वल टू टू। यहां पर जो आप टारगेट पेज देख रहे हैं ये एक पेज है जो इंक्लूड होगा जो भी करंट आपका जीएसपी चल रहा है उसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड एक्शन? इंक्लूड डायरेक्टिव इंक्लूड एक्शन में अंतर समझिएगा, दोनों साइड बाय साइड दिए हैं। जो इंक्लूड डायरेक्टिव है उसमें और इंक्लूड एक्शन में क्या अंतर आता है, सबसे पहला ये है, ये इट इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइल, और ये शब्द ध्यान दीजिए ट्रांसलेशन फेज में, जब आपका पेज कन्वर्ट हो रहा होता है सर्वलेट में, तो इंक्लूड डायरेक्टिव ये इंक्लूड करता है कंटेंट किसी भी स्पेसिफाइड फाइल का ट्रांसलेशन फेज में। जबकि अगर आप इस जगह देखें तो इंक्लूड एक्शन में क्या होता है, ये इंक्लूड करता है रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है जब आपका स्पेसिफाइड पेज, चाहे वो जीएसपी पेज हो या सर्वलेट पेज हो, जब ये एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेज में, ये ट्रांसलेशन फेज में है, ये रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेज में जब भी पेज रिक्वेस्ट होता है यूजर से। इंक्लूड डायरेक्टिव में
ये जो इंक्लूड डायरेक्टिव है, अगर आप स्टैटिकली इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी एक कंटेंट को या किसी रिसोर्स को आपके जेएसपी में, तो आप यूज करेंगे इंक्लूड डायरेक्टिव। यदि अगर आप स्टैटिक या डायनेमिक रिसोर्स करना चाहते हैं रन टाइम पे, तो आप इंक्लूड एक्शन, यू आर इंक्लूड एक्शन यूज करेंगे। अगर आपका फाइल रेयरली चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है इसमें, फास्टेस्ट मैकेनिज्म है, तो आपको इंक्लूड डायरेक्टिव जो कि फास्टेस्ट मैंने भी बताया वो आप यूज कर सकते हैं। आप इंक्लूड एक्शन कब करेंगे, जब चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि देखिए साहब हमने ये चीज रिसोर्स एसोसिएट कर दिया, अब ये पेज हमारा चेंज हो रहा है, रिसोर्स चेंज हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो अगर आप इस ऐसा करना चाहते हैं तो इंक्लूड एक्शन करिए, क्योंकि वहां पर आप जब तक रन टाइम नहीं आएगा तब तक डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करना क्या है। अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन पेज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड एंड जेएसपी इंक्लूड। तो जो जेएसपी इंक्लूड स्टैंडर्ड एक्शन है और जो पेज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड तरीका है, दोनों ही किस काम के लिए यूज होते हैं, दोनों ही यूज होते हैं रिसोर्सेस को यूज करने के लिए रन टाइम पे, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। लेकिन जो पेज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड मेथड है ये हमेशा फ्लश कर देता है, इट ऑलवेज फ्लशेस द आउटपुट ऑफ द करंट पेज बिफोर इंक्लूडिंग अदर कंटेंट्स। यानी आपकी जो करंट पेज है उसका आउटपुट ही पहले फ्लश कर देगा अगर इसको किसी और कंपोनेंट को इंक्लूड करना है। जबकि जीएसपी इंक्लूड क्या करता है, ये फ्लश करता है आउटपुट जो भी करंट पेज का, तभी जब आप इसके फ्लश को ट्रू सेट करेंगे। जैसे आपने यहां पर जीएसपी इंक्लूड में इंडेक्स जब जीएसपी फ्लश ट्रू किया तभी ये फ्लश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जबकि पेज कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड क्या करेगा, पहले फ्लश करेगा, दूसरा कॉन्टेंट आएगा फिर उसको भी फ्लश कर देगा, ऐसे चलता रहेगा। व्हाट इज द जीएसपी सेट प्रॉपर्टी एक्शन, जीएसपी सेट प्रॉपर्टी एक्शन क्या है? जीएसपी सेट प्रॉपर्टी आप कब यूज करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं बीन्स को, जो आपका पहले कहीं रेफर हुआ है, आपको किसी जगह रेफर हुआ है। ये दो कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, पहले तो आप ये जीएसपी सेट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बाद में, लेकिन बाहर किसके, जीएसपी यूज बिन एलिमेंट के। ऐसे देखिए एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे आपने यहां यूज किया जीएसपी यूज बिन आईडी माय नेम दिया, फिर यहां पर आप सेट प्रॉपर्टी कर सकते हैं, नेम माय नेम हो गया ये वाला, और उसके बाद प्रॉपर्टी आप माइन प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो जीएसपी सेट प्रॉपर्टी ये एग्जीक्यूट होगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ न्यू बीन वाज इंस्टेंशिएटेड और एन एग्जिस्टिंग बीन वाज फाउंड। ये चलेगी या अगर कोई नई बीन इंस्टेंशिएट होती भी है या वो मिलती है या मिलती नहीं है तब भी वो चलेगा। जो सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जेट जीएसपी सेट प्रॉपर्टी आपके बॉडी के अंदर आ सकती है, वो या कैन अपीयर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ जीएसपी यूज बिन एलिमेंट के अंदर आ सकती है, वो इस तरीके से है। देखिए जैसे जीएसपी यूज बिन माय नेम किया आपने, यहाँ पर जीएसपी सेट प्रॉपर्टी माय नेम वही चीज रखी, सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर जीएसपी यूज बिन आपने एंड किया। इसका मतलब ये है कि जो जीएसपी सेट प्रॉपर्टी ये एग्जीक्यूट तभी होगी जब नया ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होगा, अगर एग्जिस्टिंग इसको मिल गया तो फिर ये नहीं होगा। What is the JSP get property action? जो JSP get property action है ये हम यूज करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी बीन की एक्सेस कर सके जो आप JSP property action द्वारा सेट की गई है। तो किस तरीके से ये कंटेनर कन्वर्ट करता है जो भी प्रॉपर्टी है उसको स्ट्रिंग में, उसका तरीका ये है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो टू स्ट्रिंग मेथड लेगा ताकि कन्वर्ट कर सके स्ट्रिंग को। अगर वो प्रिमिटिव है तो वो कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली एक स्ट्रिंग में वैल्यू ऑफ मेथड लेके जो भी रैपर क्लास होगा साथ में। जो सिंटेक्स आप यहां पर देख पा रहे हैं जीएसपी गेट प्रॉपर्टी वो इस तरीके से होगा, जीएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम यहां पर होगा, प्रॉपर्टी यहां पर होगी। तो यहां पर आप देखिए नेम आपका आईडी है, नाम आपका आईडी है उस बीन का जिसकी प्रॉपर्टी सेट हुई है, जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है उस प्रॉपर्टी की गेट करने का गेट की प्रॉपर्टी है, और यूजर को क्रिएट करना है लोकेट करना है बीन किस तरीके से, जीएसपी यूज बीन एक्शन, इससे पहले कि आप जीएसपी गेट प्रॉपर्टी एक्शन चला सके। व्हाट इज द जीएसपी पैरम स्टैंडर्ड एक्शन, पैरम का मतलब होता है पैरामीटर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये यूज किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है, पहले तो बताऊं कि ये स्टैंडर्ड एक्शन यूज करते हैं जीएसपी इंक्लूड या जीएसपी फॉरवर्ड में ताकि आप पैरामीटर के नाम और वैल्यू भेज सके किसी भी रिसोर्स, टारगेट रिसोर्स। तो उसका जो सिंटेक्स होता है जीएसपी पैरम स्टैंडर्ड एक्शन का वो इस तरीके से होता है, जीएसपी पैरम नेम पैरामीटर नेम वैल्यू पैरामीटर वैल्यू। व्हाट इज द जीएसपी प्लगइन एक्शन, जीएसपी प्लगइन एक्शन क्या होता है, ये आपको ये अलाउ करता है
या फैसिलिटेट करता है ताकि आप इंसर्ट कर सके कोई भी ब्राउजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो या एम्बेड कर सके एलिमेंट. दिस सेक्शन लेट्स यू इंसर्ट द ब्राउजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और एम्बेड एलिमेंट नीडेड टू स्पेसिफाई दैट द ब्राउजर रन एन एप्लेट यूजिंग द जावा प्लगइन. इसका मतलब यह है कि आपने जेएसपी प्लगइन किया तो आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, एम्बेड कर सकते हैं एलिमेंट जो ये स्पेसिफाई करेगा कि आप जो ब्राउजर है आपका जो ब्राउजर है वो एप्लेट रन करेगा जावा प्लगइन यूज करके. What are scripting elements? Scripting elements क्या होते हैं? देखिए जावा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट से आप जावा कोड इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स यू इंसर्ट जावा कोड इन टू द सर्वलेट. ठीक है, पहली चीज तो ये स्क्रिप्टिंग का मतलब ये जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट से आप जावा कोड अपने सर्वलेट में ऐड कर सकते हैं जो आपके जेएसपी से कन्वर्ट जेएसपी से निकलने वाली. तो तीन फॉर्म होते हैं इसके, इसको देखिएगा. पहला ये एक्सप्रेशन है, फिर स्क्रिप्टलेट्स है, फिर डिक्लेरेशन है. अगर स्क्रिप्टिंग एलिमेंट आपका एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से होगा? इस तरीके से एंगल ब्रैकेट होगा, परसेंट होगा, इज इक्वल टू एक्सप्रेशन परसेंट एंड करिए. ये इस टाइप का अगर आपका फॉर्म है तो ये वाला फॉर्म है तो ये इवैल्यूएट होगा और जो भी आउटपुट होगा वहां पर इंसर्ट कर दिया जाएगा. स्क्रिप्टलेट्स अगर इस फॉर्म की अगर आपको मिलती है, यहाँ कोड है, परसेंट परसेंट है, तो ये आपके जो सर्वलेट के सर्विस मेथड है वहां इंसर्ट होगा जाके. अगर डिक्लेरेशन कुछ इस फॉर्म का है तो ये सर्वलेट क्लास की बॉडी में जाके इंसर्ट होगा किसी भी एग्जिस्टिंग मेथड के बाहर, दैट आर इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द सर्वलेट क्लास आउटसाइड ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मेथड्स. व्हाट आर स्क्रिप्टलेट, इसके बारे में अगर बात करें, देखिए स्क्रिप्ट, छोटी स्क्रिप्ट को स्क्रिप्टलेट कहते हैं. ये स्क्रिप्टलेट सिंपल जावा कोड है, छोटा सा जावा कोड है, वो हमेशा चलेगा जब भी जेएसपी को आप इन्वोक करेंगे. जब भी जेएसपी ट्रांसलेट होता है या कन्वर्ट होता है सर्वलेट में, स्क्रिप्टलेट कोड जाता है सर्विस मेथड में. तो जो भी मेथड या वेरिएबल आपने लिखे हैं स्क्रिप्टलेट्स में वो लोकल होते हैं किसके, सर्विस मेथड के लिए. स्क्रिप्टलेट कैसे लिखते हैं आप, जैसे यहां भी देखा आपने, इस टैग के अंदर लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट होगा, फिर परसेंट होगा, फिर परसेंट एंगल ब्रैकेट से बंद होगा, और ये एग्जीक्यूट होगा कंटेनर के द्वारा जब भी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा, मतलब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में एग्जीक्यूट होगा. व्हाट आर जीएसपी डिक्लेरेशन, नागी इसका बता रहा है कि जीएसपी डिक्लेरेशन आप क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, किसमें, जीएसपी पेज में. ये तब इनिशियलाइज हो जाएंगे जब भी आप क्लास को इनिशियलाइज करेंगे, और जो भी आप डिफाइन करेंगे इस डिक्लेरेशन में वो आपके सारे जीएसपी पेज में अवेलेबल हो जाएंगे. तो डिक्लेरेशन ब्लॉक कैसे आप रखते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं. यहां पर ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ये डिक्लेरेशन इंक्लूड नहीं होता है सर्विस मेथड में. जब भी आपका जेएसपी ट्रांसलेट होगा सर्विस सर्वलेट में, वहां ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा. व्हाट इज अ जेएसपी एक्सप्रेशन, जेएसपी एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई आउटपुट आने वाला है. आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को ना यूज करके जीएसपी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं ताकि आप आउटपुट को लिख सके. एक तरीके से ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आपके स्क्रिप्टलेट्स का. इसके अंदर लिखते हैं हम यहां परसेंट इज इक्वल टू करके ये वाला साइन इसके अंदर लाते हैं. इसको सेमीकोलन से आपको बंद नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये इम्प्लिसिटली अपने आप सेमीकोलन हर एक्सप्रेशन के बाद में डाल देता है. How is scripting disabled? Scripting disabled का यहाँ example भी दिया है, देखिए invalid करके. तो scripting को आप disable कर सकते हैं कैसे? जो scripting invalid यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसको आप true बना दीजिए. यानी कि scripting invalid element जो है उसके अंदर आप true लिख दीजिए. ये किसका किसकी किसका सब element है? ये JSP property group का सब element है. इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ट्रू और फॉल्स, यहां पर आप ट्रू रख सकते हैं, फॉल्स रखते हैं. तो ये एक एग्जांपल है इसका. एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेएसपी टैग्स और बीन्स में क्या अंतर है? तो उसमें आप मतलब समझिएगा क्योंकि ये काफी चीजें हैं जो साथ बोली जाती है. कस्टम ये जेएसपी टैग वो होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, आप बताते हैं क्या टैग है, इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, कैसे बॉडी उसकी इंटरप्रेट होने वाली है, और उन टैग्स को आप ग्रुप करते हैं कलेक्शंस में,
जिसको हम टैग लाइब्रेरी बोलते हैं, जो अलग अलग जेएसपी फाइल्स में यूज किए जा सकते हैं। कस्टम टैग्स और बीन, काम इनका एक ही है, यानी काम क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसको आप एक बीन में या एक उसमें ले आइए एक फॉर्मेट में एक तरीके से, और उसको आप सिंपल और एक्सेसिबल फॉर्म में बाहर लोगों को दे दीजिए, वो यूज करेंगे। लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस भी है इसमें। कस्टम टैग्स जेएसपी कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बीन नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, इसको आप मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं उसको आप आराम से सिंपल बना सकते हैं कस्टम टैग्स। बीन में तो खैर, बीन तो एक बनी बनाई चीज है जिसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। कस्टम टैग के लिए आपको थोड़ी सा मतलब उसके सेटअप करने के लिए, उसको यूज करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कस्टम टैग्स थोड़ा सा उनकी जो रिलेटिवली अगर बीन से आप देखा जाए तो उसके सेल्फ कंटेंट बिहेवियर होता है। जैसे अगर आप बीन की बात करें तो उसको हम एक सर्वलेट की तरह डिफाइन करते हैं और उसको अलग अलग सर्वलेट या जीएसपी पेज में ले जाते हैं, यूज करते हैं। कस्टम टैग्स देखिए जीएसपी 1.1 या उसके बाद में है, लेकिन जीएसपी आपका 1. जितने भी वर्जन उसके बाद आपको मिलता है।